साथियों, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाली अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपनी एज और अपनी क्वालिफिकेशन अपनी पूरी रखें, क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ निश्चित ही आने वाली हैं। उसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि आपका जुलाई में RTI का रिप्लाई आया था, उससे स्पष्ट क्लियर हो गया था कि आपकी दिल्ली पुलिस की भर्तियाँ आएंगी और उसकी प्रक्रिया भी चालू हो गई है। उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और सिलेक्शन तो बाद की बात है, पहले फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम कराता है इसका, तो उस लेवल की तैयारी आपको लेके चलनी है रिटर्न एग्जाम की, पहली बात। दूसरी बात, इसके एग्जाम फीस की बात करें तो 100 रुपये रहती है जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और फीमेल, सभी फीमेल के लिए, सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए फीस नहीं लगती है। अगर इसमें बात करें आपकी भर्ती प्रक्रिया की, तो इसकी सबसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपकी 2023 में वैकेंसी निकली थी और 23 में ही आपकी वैकेंसी पूरी कर दी थी, लगभग एक साल में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी थी। देखा जाए तो भर्ती के हिसाब से बहुत जल्दी भर्ती हो गई थी इस बार, तो इसलिए आपको लगभग 9 से 12 महीने में आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो इसलिए आपको ये भर्ती होने के लिए इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, सेंटर की जॉब है और आपको जॉब लोकेशन भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ सैलरी भी अच्छी मिलती है, अलाउंस भी अच्छे मिलते हैं अदर बेल्ट की नौकरियों के मुकाबले। अगर इसकी एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एज की देखें, तो एज आपके 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए, और अगर OBC से हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। केंद्र में OBC में होना चाहिए, आपको केंद्र का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का आपका। और SC ST की बात करें तो 5 साल की छूट मिलेगी आपको, और वो भी आपका केंद्र का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन मेन है, आपके पास इंटर पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप इंटर पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, खासकर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ये नहीं है। बॉयज़ के पास आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके पास फिजिकल की टाइम होना चाहिए। देखा जाए तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट में नहीं फंसना है तो आपको फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप अभी से अप्लाई कर दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही और भर्ती देखने के लिए भी चाहिए। तो कोशिश करें कि अभी से आप अप्लाई कर दें और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रखें। सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें इसका, तो आपका सबसे पहले CVT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका एग्जाम होगा। उसके बाद PET होगा और DVD होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। PET में आपका फिजिकल होगा, उसमें आपकी रेस होगी, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। मेडिकल टेस्ट होगा लास्ट में, उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें हर बार आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रही है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग होता है, और भर्ती की कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और जैसे ही भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई सूचना मिलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों नई सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।